आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी तक हम सुभाष चंद्र बोस की जो ऑटोबायोग्राफी है, एन इंडियन पिलग्रिम, उसका रिव्यू कर रहे हैं। पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, आप देख सकते हैं उसे, और ये उसका पार्ट टू है। तो आगे बढ़ते हैं। ये उसका पार्ट टू है। अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस की चाइल्डहुड हुई थी, किस तरह से उनकी स्कूलिंग, उनके जो इम्पैक्ट था शुरुआती जीवनों में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का, वो किस तरह से था और कैसा उनका एटीट्यूड था। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से उनको कॉलेज से बाहर फेंका गया, टॉपर होने के बावजूद। वो पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स में, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना शुरू हो गए, वो उनका डेवलप होने लगा एटीट्यूड, और फाइनली आईसीएस टॉप करने के बावजूद लात मार दी, मुझे नहीं चाहिए। सारी चीजें देखेंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या होता है कि अब फाइनली उनके जो माँ बाप हैं वो उनसे हो जाते त्रस्त। वो कहते हैं कि ऐसा है, तुमने भैया बहुत ज्यादा अब शैतानियां कर ली हैं और बहुत ज्यादा हमको डिसोबे कर लिया है, यहाँ तुम्हारा ग्रुप भी हमको कुछ सही नहीं लग रहा है, तुम अब जाओ अपना मैट्रिक एग्जाम दो, प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा में पढ़ाई करो जाके। तो उस समय आपको पता ही है कि कैलकटा गढ़ था उस समय ब्रिटिशर का, है ना, कैलकटा गढ़ था उस समय। मेन जो वहां पे क्या कहते हैं रूल था, वो कैलकटा से ही स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटिशर का, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत ही बड़ा कॉलेज है कैलकटा का, आज भी है, उस समय भी था, ठीक है। सीवी रमन हो गए, हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, सब बहुत महान महान इंसान लोग वहां पे पढ़े थे। तो वहां पे प्रेसिडेंसी कॉलेज वो जब जाते हैं, पूरे यूनिवर्सिटी में सेकंड आते हैं। देखिए, वो बहुत ही ब्रिलियंट थे सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में, और ये उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया था, ठीक है। पढ़ने में बड़े अच्छे थे वो, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ भी करते थे ना, उसमें अपना 100% देते थे, और सक्सेस उनकी उनकी 100% थी, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां जाते तो हैं ऑन द, उन सबको लगता है कि वहां पे कि ठीक है, सही चीज हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, और बहुत ही सीधा साधा लड़का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। होता है बिल्कुल उल्टा। वहां पे क्या होता है ना, उनका ग्रुप और बढ़ जाता है कैलकटा में। जब ये एक्चुअली 1913 की बात थी, आपको पता ही है 1900 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1905 से लेकर 1920 या 30 तक भी बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे, है ना। जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको टेररिस्ट बोला जाता था ब्रिटिशर द्वारा, तो उस समय ये चीजें चरम पे थी। और सुभाष चंद्र बोस अभी पूरी तरह परिपक्व तो थे नहीं, उनको तो चीजें अभी बहुत सीखनी थी, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते थे और उस रास्ते पे तो चले गए थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का अल्टीमेट एम यही था कि नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना। अब हम नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सर्व करेंगे, पॉलिटिक्स में आके। सुभाष चंद्र बोस एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली पॉलिटिक्स का यूज करना चाहते थे, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते थे, जो कि कहीं आजकल के जमाने में तो खो ही गया है ना। अपने लिए वो कभी नहीं सोचते थे। 1945 के अराउंड सुभाष चंद्र बोस ने यहां तक सोच लिया था कि उन्होंने पूरा का पूरा इंडिया का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, पता है आपको। उन्होंने सोच लिया था उन सिक्के कैसे होंगे, कैसे करेंसी सर्कुलेट होगी, कैसा पुलिस होगी। अगर सुभाष चंद्र बोस उस समय इंडिया आ जाते तो हो सकता है सिविल वॉर हो जाता, और हो सकता है सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले पीएम होते, लेकिन वक्त को कुछ अलग ही मंजूर था। 1945 में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो खैर हम बाद में देखेंगे, ये जो ये तो फर्दर स्टोरी है, फिलहाल हम प्रेसिडेंसी कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उनका ग्रुप और बड़ा हो गया, और बड़ा इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि कॉलेज क्या था, जो कॉलेज था प्रेसिडेंसी कॉलेज, वहां पे अच्छे खासे लोग आते थे। मद्रास से आ रहा है कोई, हिंदू कॉलेज से आ रहा है, बड़े बड़े कॉलेज से लोग आते थे। अब सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े कॉलेज से तो थे नहीं, तो वहां पे थोड़ा घुल मिलने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन उनको बहुत जल्दी उन्होंने एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लिया जो बिल्कुल उन्हीं के ख्यालात से मिलता जुलता था। स्वामी विवेकानंदा की बात, रिलीजियस टॉक्स, ये सारी चीजें बहुत आसानी से उनको मिल गई। दूसरी चीज ये थी, अरविंदो घोष का उस समय बहुत बड़ा नाम था, आपको पता है, क्रांतिकारी थे, पेपर्स निकाले थे उन्होंने, वो भी स्वामी विवेकानंद परमहंस के पाथ पे ही थे, अरविंदो घोष, और उनका कैलकटा में बहुत बड़ा नाम था, ठीक है।
कांग्रेस स्प्लिट के बाद और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे अरविंदो घोष, तो बहुत से लोग कहते थे कि वो तपस्या कर रहे हैं और एक दिन आएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा नाम था उस समय, तो उस समय कैलकाटा में बाल गंगाधर तिलक को बड़ा दादा कहते थे और अरविंदो घोष को छोटा दादा कहते थे। तो ये कॉलेज में इन्हीं की बस गॉसिप्स होती रहती थी, इन्हीं की सुगबुगाहट होती रहती थी, हर ग्रुप बस इन्हीं की बात करता था कि यही लोग हमारे देश को आजाद कराएंगे। गांधी जी का भी नाम था, गांधी जी का नाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, उस समय नाम था इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता था कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि वहां पे टोटल जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में वहां पे तीन ग्रुप थे। पहला जो ग्रुप था वो बहुत ही रिच था, राजा था, रिच फोक्स थे, और जो स्टूडेंट आते थे बिल्कुल एटीट्यूड में रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। ऐसा आपने देखा होगा सर अक्सर बड़े बड़े कॉलेजेस में, तुम इंफीरियर हम सुपीरियर, इस तरह से था। दूसरा जो ग्रुप था वो हमेशा बुकों में घुसा रहता था, ऑलवेज स्टडिंग, ठीक है, इधर उधर नहीं देखना, गुड बॉय जो होते हैं ना, जो सबकी गुड बुक्स में रहते हैं। तीसरा ग्रुप जो था वो बिल्कुल उनकी सोच से मिलता था, और इसी ग्रुप का सुभाष चंद्र बोस हिस्सा थे। वो था रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की टीचिंग्स को मानने वाला। वो समझते थे कि अगर इस दुनिया को अच्छा बनाना है तो इन्हीं की टीचिंग पे चलना होगा। विवेकानंद पे भी मैं बहुत जल्द रिव्यू लेके आऊंगा, मतलब परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीसरा ग्रुप था। और चौथा और सबसे भयानक ग्रुप, रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ये प्लान करता था कि किस तरह से देश को आजाद कराएं, किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हो, किस तरह से बम फोड़े जाएं। बम मतलब ऐसा नहीं किसी को मारने के लिए, लेकिन एक आक्रांति लाने के लिए, है ना। और इन्हीं ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा था। रात रात में कभी कभी ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप के कारण रेड पड़ती थी रात रात में। सुभाष चंद्र बोस के भी कमरे में कई बार रेड पड़ी है। पुलिस आती थी, देखती तो नहीं थी, देखती थी कि कोई ऐसी तो नहीं कि भैया कोई संदेहजनक एक्टिविटी कर रहे हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये सारी चीजें थी उस समय। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज उस समय पॉलिटिक्स का एक तरह अखाड़ा बन गया था, पढ़ाई का पॉलिटिक्स ज्यादा होती थी, लेकिन हालांकि तब भी सुभाष चंद्र बोस इन सबसे ऊपर उठे। अभी देखेंगे आगे, काफी मजेदार स्टोरी है। देखिए, पहले 2 ईयर तो कॉलेज के, जैसा कि मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा रिलीजियस थे और अपनी पढ़ाई को लेके इंटरेस्टेड थे, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई सब त्यागनी शुरू कर दी थी। उनको लगा था सब बेकार है, मुझे पढ़ना वढ़ना है ही नहीं, पढ़ने में वो पढ़ते ही नहीं थे, है ना। और वो जो ग्रुप था वो भी कुछ इस तरह का था कि वो भी ऐसा इन्फ्लुएंस किया था, सुभाष चंद्र पहले से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, इस ग्रुप में आने के बाद वो और ज्यादा प्रभावित हो गए कि यार नहीं, करना है तो बस यही नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है, गरीबों की मदद करनी है, विवेकानंद और परमहंस को समझना है, लाइफ को समझना है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई पैसे ऐसे सब मेटेरियलिस्टिक है। क्या होता था कि ग्रुप्स ऑर्गेनाइज होते थे, कभी कभी कॉलेज में एक्टिविटीज होती है ना, तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे, अपने ग्रुप्स को घर घर ले जाते थे, भीख मांगते थे, चावल दाल मांगते मांगते थे, बोलते थे गरीबों के लिए आप दान दीजिए। उस समय इतनी ज्यादा गरीबी थी और वो सारा का सारा खाना है, सारे की सारी मदद करते थे वो गरीबों को जाके जाके। तो ये महानता थी एक एक बहुत बड़े इंसान की कि इतनी वेल टू डू फैमिली से, अक्सर ये सब चीजें कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अगर आप बहुत बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं या बहुत ही अच्छी फैमिली से है तो ये सब चीजें छोड़ने को कोई तैयार नहीं होगा, क्यों छोड़ेगा, है ना। लेकिन उन्होंने सारी चीजें त्याग दी, उन्होंने लात मार दी, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अच्छाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ये मानता थी उनकी। तो ये सारी चीजें थी। घर से वो बहुत दूर रहते थे, घर उनके लिए कोई मतलब ही नहीं था, कभी कभी तो आते भी नहीं थे वो, कभी कभी तो 3 4 दिन गायब ही रहते थे। तो उनके घर वाले बहुत मतलब टेंशन में रहते थे कि यार ये क्या हो रहा है इस लड़के के साथ, इतनी छोटी सी उम्र में ये हो क्या गया है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस तो इस समय सुभाष चंद्र बोस है ना, अब हमको पता है कि हाँ सुभाष चंद्र बोस इतने महान थे, लेकिन उस समय तो एक आम इंसान थे। अभी कोई अगर एक आम लड़का एक ऐसी हरकतें करे, भैया करिएगा नहीं, ठीक है, तो सब उसको बोलेंगे अरे ये क्या है, लेकिन अगर वही लड़का महान बन जाता है तो बोलेंगे अरे वाह। तो सुभाष चंद्र बोस उस समय एक आम इंसान थे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज बंक करके, घर बंक करके घर में नहीं आते थे, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते थे, वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, वो गरीबों की बहुत मदद करते थे, जितना हो सकता था अपने पास से वो चीजों को लगाते थे, है ना।
तो ये सारी चीजें थी। हॉलीडेज होते थे, हॉलीडेज में वो लोग घर जाते थे, लोग एंजॉय करते थे, वो घर नहीं जाते थे, है ना। हॉलीडेज में, चलिए अच्छा इसकी मैं बाद में आगे बात करता हूँ थोड़ी, है ना। तो अब क्या होता था कि बेसिकली क्या था कि उन्होंने मैक्सिमम जो जो लेक्चर्स होते थे वो बॉयकॉट करते थे अपने इस एटीट्यूड के कारण। और अब वो जो जो प्रोफेसर थे, कुछ प्रोफेसर्स की वो नज़र में आ गए थे, है ना, क्योंकि उनका जो रिबेलियस एटीट्यूड था वो डेवलप होता गया, धीमे धीमे डेवलप होता गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मीनवाइल जैसा कि मैंने बताया कि अगर हॉलीडेज होती थी तो कभी भी क्या होता था, मतलब वो कभी इंजॉय नहीं करते थे। घर भी जा रहे हैं तो गांव जाते थे, मदद करते थे लोगों की। तो एक यहाँ पे बताते हैं, वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि उनका जो ग्रुप था वो विलेज गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा यार कि चलो हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और मदद भी करते हैं थोड़ी बहुत। तो जब वो गए विलेज में, जब वो एंटर हुए, देखिए पहली बात तो क्या थी ना कि कटक एक छोटा सा उस समय शहर था, कैलकटा बहुत भव्य शहर था, आज भी है ना। तो कलकत्ता जब जाते हैं ना, तब सुभाष चंद्र बोस की आंखें खुलती हैं एकदम से। वो सोचते हैं कि यार ये क्या है, क्योंकि वहां पे उनको दिखता है जो रियल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्रिटिशर्स द्वारा। कलकत्ता में मेन डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पे आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए नहीं बैठ सकते, आप ट्रैम्स में नहीं बैठ सकते, आप नजर से नजर नहीं मिला सकते अंग्रेजों के साथ। ये सब कटक में नहीं था, कटक में ऐसा नहीं था, लेकिन कैलकटा में बहुत ज्यादा ये प्रेवलेंट होती है चीजें, है ना। तो ये उनको बड़ा दुख देता है, ठीक है। तो इससे वो वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। तो जब भी जब वो हॉलीडे के अंदर आते हैं, तो एक बार क्या होता है कि वो उनका ग्रुप जाता है विलेज में, ठीक है, मदद करने। वहां के जो विलेजर्स होते हैं वेलकम तक नहीं करते, उनके ऊपर चिल्लाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तब सुभाष चंद्र बोस पहली बात तो पहली मतलब पहले तो वो अचंभे में आ जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो यहाँ पे मदद करने आए, ये लोग हमको मार के भगा रहे हैं। लेकिन विलेजेस क्या सोचते हैं, तब सुभाष चंद्र बोस को ये एहसास होता है कि हमको टैक्स कलेक्टर समझ रहे हैं। मतलब इतना डरते थे विलेजर उस समय ब्रिटिशर्स से, उनको लगता था कि कोई भी अगर वेल सूट बूट में आ रहा है, अच्छे से पहन से पहन कर आ रहा है, वो टैक्स कलेक्ट करने आ रहा है। लगान है ना, लगान, लगान पे लगान लगाती थी ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिशर्स, है ना। और एकदम समझ लीजिए कि चूस लिया था एकदम, कुछ बचा ही नहीं था, एकदम आत्मा ही निकाल ली थी भारतीयों की उनके एकदम जहन से। बहुत बुरी हालत थी उस समय, स्पेशली जो पुअर इंडिया की है, आज भी है लेकिन उस समय तो बहुत ही बुरी हालत थी, है ना। तो क्या होता है कि एक बार वो कटक आते हैं अपने हॉलीडेज के दौरान। तो अब क्या होता है कि कटक आते हैं तो वो, जैसा कि उनका नेचर है, वो बोलते हैं कि उस समय कॉलरा बहुत फैला होता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं कॉलरा पेशेंट्स को जाके सर्व करूंगा। आधे डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पे सर्व करने जाते हैं तब उनको एहसास होता है रियल इंडिया क्या है। पहली बार सुभाष चंद्र बोस को ये एहसास होता है, वो अपने सामने रियल इंडिया देखते हैं जहां लोग ऐसे मरते हैं जैसे कोई मधुमक्खी मच्छर मक्खी हो, जहां लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है ना, एकदम मच्छरों की तरह मर रहे हैं, कीड़ों मकोड़ों की तरह लोट रहे हैं, कोई इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं, किसी को परवाह नहीं, कोई मर रहा है, कोई 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 माँ अपने बच्चे के शव को लेके बिलबिला रही है, कोई 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 लड़का अपने अपने बाप के शव के साथ, शव के बगल में बैठा हुआ है, रो रहा है। तब उनको पता चलता है कि ये है रियल इंडिया, और वो एकदम कांप जाते हैं अंदर से। और भाई सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस है, ये जो एटीट्यूड है नहीं, उनमें डेवलप हो जाता है वो। ये इससे बहुत वो नहीं होता कि उनका मन की नहीं, वो बोलते हैं कि इसको मैं सुधारूंगा, इसको मैं सुधारूंगा, ये सारी चीजें जो है ना ये मैं ठीक करके रहूंगा, इस भारत को सपनों का भारत बनाऊंगा, ये मेरा अपने आप से ये वादा करते हैं। तो एक इंसिडेंट होता है बहुत ही, अब कॉलेज ड्रॉपआउट पे हम बेसिकली आते हैं। 1916 में देखिए सुभाष चंद्र बोस की इतनी पर्सनैलिटी डायनेमिक होती है कि उनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बनाया जाता है। तो 1916 में मिस्टर ओ एक टीचर होते हैं, इंग्लिश होते हैं, बुरी तरह मैन हैंडल किया जाता है कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं होती, ऐसे कॉरिडोर से खाली जा रहे होते हैं, मिस्टर ओ को पसंद नहीं आता है, अच्छा खासा मैन हैंडल समझ रहे ना, मार देते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बाद ये इशू आता है, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो बोलते हैं या तो मिस्टर ओ माफी मांगे,
नहीं तो हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे। प्रिंसिपल बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक सोसाइटी के हिस्सा हैं, ये एजुकेशन डिपार्ट एजुकेशन मिस्टर ओ जो है वो एजुकेशन सिस्टम के बहुत बड़े हेड हैं और ये ऐसा हम नहीं करेंगे, कोई माफी वाफी नहीं मांगेंगे और ऐसा मैन हैंडल हैंड हैंडल कुछ नहीं किया, तुम लोग बेकार में ये तूल दे रहे हो, ये बढ़ा रहे हो। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ऐसा हुआ है, किसी से भी पूछ लीजिए, हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे, हमको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चले जाते हैं स्ट्राइक पे। ठीक है, स्ट्राइक होती है, न्यूज़पेपर्स में सारी चीजें आती हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज में एकदम पहली बार इतने मास लेवल पे पूरे के पूरे स्टूडेंट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस में सबसे बड़ी यही बात थी ना कि बहुत गजब की पर्सनैलिटी थी, उनका कैरेक्टर उनका व्यक्तित्व इतना गजब था कि जब वो बोलते थे ना और जब वो एड्रेस करते थे लोगों को तो आप ना बोल ही नहीं सकते, आपकी अंतरात्मा बोलेगी ही नहीं कि भैया इनको ना करो, वो एकदम आप एकदम वश में कर लेते थे आपको, है ना। भयंकर स्ट्राइक होती है, अथॉरिटीज जाती हैं झोंक। अब यहां से अगेन दूसरा पहलू कहानी का शुरू होता है, मिस्टर ओ माफी मांगते हैं, चीजें बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। कुछ दिन बाद फिर ये केस आता है कि मिस्टर ओ ने दोबारा मैन हैंडल किया है स्टूडेंट्स को। कुछ दिन बाद ये सारी चीजें शांत हो गई, मिस्टर ओ ने माफी मांग ली, स्ट्राइक सक्सेसफुल रही, बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोपागेंडा बन जाता है कि ये जीत हो गई है भारत की, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मिस्टर ओ मैन हैंडल करते हैं, भैया व्यक्ति का क्या कहते हैं वो नेचर नहीं बदलता है, बहुत मुश्किल होता है किसी नेचर को बदलना, वो फिर स्टूडेंट्स को मैन हैंडल करते हैं। लेकिन इस बार स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको भी तीन चार दे देते हैं अच्छे से, पकड़ के उनको भी मारते हैं, मिस्टर ओ भी मारे जाते हैं अच्छे से, मारे इन द सेंस कि मिस्टर ओ को भी मैन हैंडल किया जाता है। इस बार कोई चुप नहीं रहता है क्योंकि वैसे ही बहुत जोश होता है स्टूडेंट्स में, और उधर से अंग्रेज का एक पड़ा, इधर से भारतीयों के चार पड़ते हैं। ठीक है, तो मिस्टर ओ एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं। तो मिस्टर ओ फिर उसके बाद क्या होता है कि ये डायलॉग बहुत जबरदस्त मारते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से बोलते हैं प्रिंसिपल, जब उनको बुलाते हैं कि तुम ही लीडर थे, और सुभाष चंद्र बोस सारी चीजें देख रहे होते हैं जब मिस्टर ओ पिट रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं तुम लीडर थे, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, पीठ पीछे वार किया है, बोलो ये सच है कि नहीं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं अरे जनाब, पीठ पीछे वार कायर करते हैं, सामने से मारा है हमने। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि यार ये तो गजब इसकी करेज है, इसको तो सारे आरोप ही डिनाई कर देने चाहिए थे लेकिन इसने ये एक्सेप्ट किया है। प्रिंसिपल बहुत बुरे नहीं थे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के, वो इनके साथ थे लेकिन उनके हाथ में था ही नहीं, बहुत से उस समय अथॉरिटीज थी, बहुत से उस समय जेलर्स थे जो भारतीय लोगों के साथ थे लेकिन वो डरपोक थे, है ना, वो डरपोक थे बेसिकली, वो आगे नहीं आए, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा, हमको आजादी इसीलिए नहीं मिली, इतने साल 200 साल लग गए, ये कोई मजाक की बात नहीं है, 200 साल बहुत बड़ा, बहुत बड़ा टाइम पे, 2 सेंचुरी समझ लीजिए हम एक एक कंट्री के अंडर रहे हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है, और वो इन्हीं लोगों के कारण हुआ है कि डरपोक या लग्जूरियस लाइफ जीने के कारण वो चीजों को कहते कि अरे मुझे क्या लेना देना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इन सारे जैसे नेताओं के कारण हमको आजादी मिली, और ये सब बाद में आए थे, 1900 के बाद इन सब का राइज हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो फाइनली क्या होता है कि प्रिंसिपल के पास कोई चारा तो होता नहीं है, तो उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो वो बोलते हैं मिस्टर मिस्टर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि बोस तुम मेरे लिए एक बहुत ही बड़े न्यूसेंस बन गए, बहुत ही बड़े मतलब बहुत एकदम आग का नासूर बन गए हो। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं थैंक यू सर, निकल जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो रस्टिकेट कर दिया जाता है, कॉलेज ड्रॉप आउट, टॉपर होते हैं कॉलेज के वो। अब ये कंटिन्यू करती है, अब क्या होता है कि वो हायर अथॉरिटी को अपील करते हैं, तो मुखर्जी कमीशन बनाई जाती है जो कि जज रहते हैं, ठीक है, जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उनको अपनी बातों को डिफेंड करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि उस समय तो वो छोटे से थे, पूरा फैमिली के ऊपर दाग लग गया था, किसी ने ऐसा किया नहीं था, बहुत परेशान सब लोग कि यार ये क्या होगा, इसका तो फ्यूचर ही बर्बाद हो गया है, इसको तो कॉलेज से लात मार के बाहर निकाल दिया गया, अभी करेगा क्या, इसको तो कोई कॉलेज एडमिशन ही नहीं लेगा, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं लेने वाला। उसके बाद हायर अथॉरिटी को जब अपील करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तब क्या होता है, उनको डिफेंड करने का चांस दिया जाता है मुखर्जी कमीशन के सामने। लेकिन यहाँ पे इतनी उल्टी चीज होती है, सुभाष चंद्र बोस तो भैया सुभाष चंद्र बोस है ना, उनका तो बचपन से ही ऐसा, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी देता हूं, मेरे साथ आओ मेरे साथ लड़ो सब ठीक होगा, उनका तो ऐसा एटीट्यूड था।
सुभाष चंद्र बोस माफी मांगना तो दूर की बात, जस्टिफाई करते हैं इस इंसिडेंट को, जो हुआ सही हुआ। वो कॉलेज में जो कंप्लेन्स होती हैं उन कॉलेज की कंप्लेन्स करते हैं कि कॉलेज में इतना डिस्क्रिमिनेशन है, अंग्रेजों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, इंडिया हिंदुस्तानी को दी नहीं जाती, वगैरह वगैरह वगैरह। एकदम से सुभाष चंद्र बोस को एहसास होता है कि यार मैं तो गया, मैंने यहाँ पे अपना केस बनाया नहीं और बिगाड़ लिया है। तब मुखर्जी कमीशन फाइनली ये बोलती है, इनको हटाओ, पूरा इन्वेस्टिगेट करो, ये सब बेकार है, इनको वापस एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सुन के सुभाष चंद्र बोस को बहुत दुख होता है। तब क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार ऐसा लगता है कि उनका करियर जो था, उनका फ्यूचर खत्म हो गया है। लेकिन यहां से पॉलिटिकल सिनारी पॉलिटिकल पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि इन्होंने मेरे अंदर एक नेशनल इंटरेस्ट की भयानक तरीके से एक इतनी गजब की ज्वाला प्रज्वलित की है कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। उन्होंने जो किया, जब वो उस समय क्या होता है कि पॉलिटिकल जो सिनारियो होता है 1916-1917, आपको पता ही है 1916 में कौन सा मूवमेंट हुआ था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। तो उस समय काफी पॉलिटिकल इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कैलकटा में कि उनको वापस बुलाते हैं, उनके जो भाई हैं कहते हैं कि आप तुम ऐसा है ट्रेन पकड़ के जल्दी वापस आ जाओ, इससे 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 पहले कि बहुत बुरी चीजें हो जाए। तो जब ट्रेन से वो वापस आ रहे होते हैं तो चीजों को सोच रहे होते हैं, जो उनके अभी बीते समय में चीजें हुई होती हैं, बोलते हैं कि क्या मेरा कोई करियर है, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं मैं सब क्यों सोच रहा हूं, मैंने जो किया सही किया। गिल्ट नहीं फील करते हैं वो, कभी गिल्ट नहीं फील करना चाहिए, उन्होंने सही चीज की ना, सही चीज के लिए कैसा गिल्ट। उन्होंने कहा मैंने जो किया, मैं दूसरों के राइट्स के लिए खड़ा हुआ, तो इसमें गलत क्या है, 50 लोग गलत है ना, एक दिन सब मेरी बात मान लेंगे। तो ये सारी चीजें होती है। हालांकि उनकी स्टडीज जो होती है वो रिज्यूम होती हैं और उनको स्कॉटिश कॉलेज में उनका एडमिशन उनको परमिट किया जाता है। और उस समय इंडियन आर्मी, एक इंडिया आर्मी की एक सब्सिडरी होती है, वहां पे भी उनको वहां पे भी वो ट्रेनिंग, मतलब एज अ ट्रेनी वो भर्ती होते हैं, क्योंकि कॉलेज एक तरह का कोर्स चलाती है, ठीक है, कि जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें रिक्रूटमेंट चलाती है, तो वहां पे कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करते हैं अच्छी खासी। अब क्या होता है कि जब वो कटक आते हैं वहां से, मतलब ये थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले चल रहा हूँ, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जा होते हो गया होता है, और इससे उनके पेरेंट्स और ज्यादा, वो पहले से और ज्यादा थोड़े एग्रेसिव, एग्रेसिव इन द सेंस वॉयलेंट नहीं लेकिन एग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं कि नहीं ये सही चीजें सही हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंट्रोवर्टनेस जो होती है, डर जो होता है, सब गायब, हट सब चीज एकदम ऐसे एकदम धुएं में मिल जाती है। और सुभाष चंद्र बोस उस डर से ऊपर उठते हैं और फीनिक्स की तरह उड़ते हैं, बास की तरह उड़ते हैं आसमानों में, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही नरम दिल के इंसान है। वहां पे वो देखते हैं कि जो बेचारे बहुत गरीब जो मरते हैं, है ना, कैलकटा में जब जो जब वो टेरिटोरियल आर्मी में होते हैं, और जब वो इन बिटवीन क्या होता है कि देखिए, इन बिटवीन मतलब कॉलेज में, अभी तो उनको कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन इससे पहले जब वो कटक आते हैं तो उनको कोई कॉलेज में तो एडमिशन देता नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा है, जब तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं गरीबों की मदद ही करता हूँ। तो वहां पे क्या करते हैं, वो आधे डॉक्टर हो जाते हैं, होम्योपैथिक का बैग लेके सबको सर्व करते हैं, जो भी लोग होते हैं, जो भी वहां पे गरीब होते हैं, जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको उनका इलाज करते हैं फ्री में। और सबसे बड़ी बात है, कोई देखना तक पसंद नहीं करता, गरीबों की तरफ छूना तक पसंद नहीं करता है, उनकी लाश को सुभाष चंद्र बोस, जो अनक्लेम्ड लाश होती है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही दुख की बात है ये कि उनके ऐसे फेंक दिया जाता है, मतलब कोई ऐसे नहीं, कोई अगर मर गया है और उसको कोई क्लेम करने नहीं आ रहे कि उसकी लाश को, तो बहुत ही बुरी तरह से ट्रीटमेंट होता है। सुभाष चंद्र बोस प्रॉपर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो करके उस लाश का क्रियाकर्म करते थे, उस इंसान का, जो इंसान मरा है, जो इंसान मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका प्रॉपर कस्टम्स ट्रेडिशंस पूरा एक जो भी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके उसका क्रियाकर्म करते थे। ये महानता है, ये महान इंसान है। ये बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन आप करके देखिएगा कि ये बहुत मुश्किल है, आजकल के जमाने में तो बहुत ही मुश्किल है। तभी सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस है। कोई भी सुभाष, कोई भी मामूली सा इंसान भी सुभाष चंद्र बोस हो सकता है। आप ये सारी चीजें करिए, आप लोगों की मदद करिए बस, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद उनको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, फाइनली स्कॉटिश कॉलेज होता है,
और वहाँ पे वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब उन जो पढ़ाई का माहौल होता है वो काफ़ी, मतलब क्या कहते हैं कि सही रहता है। ठीक है, तो बीए करते हैं वो, उसके बाद एमए भी करते हैं फिलोसफी में, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए कैम्ब्रिज, अब यहाँ पे सिविल सर्विसेज की हम बात करेंगे, शरद चंद्र बोस जो उनके एल्डर ब्रदर थे, वो एक बार उनसे डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है तुम इंग्लैंड जाओ और वहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस उस समय बोला जाता था उसकी तैयारी करो। तो उस समय तो आईसीएस में किसी भारतीय का सिलेक्ट होना लगभग लगभग नामुमकिन था, और अभी तो आप सिविल आईएएस, वही आईएएस ही है, यूपीएससी की जो तैयारी है आप कोई भी कर सकता है घर बैठे। उस समय इंग्लैंड जाना पड़ता था, वहां पे तैयारी होती थी, घर पे बैठे रहते थे। धब्बा लगा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने अपने परिवार के ऊपर, ऐसा उनका परिवार समझता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर, मतलब वैल्यू काफी घट गई थी, ताने मिलते थे उनको अपने पिताजी से कि घर पे बैठे हुए हो, बहुत अच्छा किया, परिवार पे धब्बा लगा दिया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ये सारी चीजें बोलती थी, बोलते थे वो लोग। शरद चंद्र बोस काफी सपोर्टिव थे, उनके पापा भी बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन क्या करें जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो पेरेंट्स भी खिजिया जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, तो कहते हैं तुमसे होगा नहीं कुछ, तुम ऐसा है या तो कुछ ऐसा राशन आशन की दुकान खोल लो या तुम ऐसे ही घूमो, तुम मतलब कुछ कर वर नहीं पाओगे, है ना, तुम्हारा करियर वैसे ही खराब हो चुका है, कॉलेज प्रशासन से लड़ा है, सबसे लड़ा है। तो सुभाष चंद्र बोस कुछ बोलते नहीं है, तो ये मन में तो होता ही है। तो सुभाष चंद्र बोस इसी के कारण क्या होता है कि वो एक मन में ये चीज बना लेते हैं कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, और वो आईसीएस की तैयारी करने कैम्ब्रिज चले जाते हैं। ठीक है, 1919 को डेट लिखी हुई है सारी। जैसे इंग्लैंड जाते हैं होम सिक फेल हो जाते हैं, बिल्कुल उनको घर की याद आने लगती है, ये तो अब मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक चीज वहां पे ऑब्जर्व करते हैं कैम्ब्रिज में कि इंडिया से कंडीशन बिल्कुल अलग है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही है भारतीयों को जो कि भारत में नहीं थी, यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे वो बुक्स बोरो कर सकते हैं, उनको बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक होता है, तो सुभाष चंद्र बोस बुक्स को आराम से बोरो कर सकते हैं, भारत में ऐसा होता ही नहीं था, बुक्स बोरो कर ही नहीं सकते, पैसे दो पहले, यहाँ पे आप आराम से पैसे दो, यहाँ पे भारतीयों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, एक फ्रेंडली माहौल होता है। ये एकदम देख के वो चौंक जाता है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज कर रही है और वहां पे इतना ज्यादा और यहाँ पे इतना अच्छा, ये कैसे हो सकता है भैया। तब उनको ये एहसास होता है कि लगता है हम लोग दब गए हैं, इसीलिए यहीं से उनकी फिलॉसफी डेवलप होने लगती है कि यहाँ हम लोग दबे हुए हैं और जो इंसान दब जाता है उसको और दबाया जाता है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो ये बहुत मेहनत करते हैं आईसीएस के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, कोर्स में एनरोल होते हैं, मिड टर्म्स में उनको लिया जाता है, किसी तरह मिड टर्म्स में वो जाते हैं, है ना, एक साल वरना उनका बर्बाद हो जाता, दिन रात मेहनत करते हैं, सल्यूट टू दिस ग्रेट मैन, 6 महीने में आईसीएस निकालते हैं वो। इसकी स्टोरी ये है, आईएएस बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल मतलब नहीं है, आप उसको मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि मेहनत काफी लगती है। ठीक है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी और मेहनत का कम्बिनेशन होता है सिविल सर्विस। ठीक है, तो उस समय और ज्यादा टफ था, नौ नौ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे और इंडियंस के लिए तो बहुत ज्यादा टफ था। तो क्या होता है कि वो बताते हैं कि मैं एग्जाम दे के आता हूँ, ठीक है, आईसीएस की जी तोड़ मेहनत करता हूँ और उसके बाद मैं एग्जाम दे के आता हूँ, तो मेरा एग्जाम कुछ अच्छा नहीं हुआ होता है, ठीक ठाक हुआ रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार मेरा होगा नहीं सिलेक्शन, छोड़ो बोरिया बस्तर बांधो वापस इंडिया चलो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक दिन वो सो रहे होते हैं, ठीक है, उनको आता है एक इंसान, कहता है कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कहता है कि किसमें सिलेक्शन हो गया, वो कहते हैं आईसीएस में, कहता है अरे मैं तो लिस्ट में हुई नहीं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तुम टॉपर की लिस्ट में हो, टॉपर की लिस्ट में जाके देखो, सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट तो होते ही हैं, टॉप करते हैं उसे, फोर्थ आते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे दुनिया आप मालिक हैं समझ लीजिए, आईसीएस उस समय वाइसरॉय जितने भी होते थे जो प्राइम मिनिस्टर, तो सब सिविल सर्विस क्रैक करके आते थे, मालिक होते थे आप। सुभाष चंद्र बोस बहुत सोचते हैं, इतना गजब का डिसीजन लेते हैं वो, सिविल सर्विस को उसको लात मार देते हैं और अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को एक लंबा चौड़ा लेटर लिखते हैं, काफी लंबा चौड़ा 10-15 पेज का लेटर होता है, वो तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कंक्लूजन उसका यही होता है कि मैं ब्रिटिशर की लूट खसोट में शामिल नहीं होना, मुझे आईसीएस ज्वाइन नहीं करनी थी, मुझे बस पॉइंट प्रूफ करना था कि
मैं आईसीएस ज्वाइन नहीं करूंगा। आप विश्वास कर सकते हैं, अगर आप आईएएस में सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट छोड़िए, आप टॉप कर रहे हैं, क्या आप आईएएस छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको लात मार दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे अपने देश को बढ़ाना है, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है और इसी पॉलिटिक्स से मैं अपने देश को बनाऊंगा। मुझे आईसीएस ज्वाइन नहीं करना है, मैं हूं टॉपर, लेकिन मुझे उस लूट में, और यहां तक कि ब्रिटिशर उनके हाथ जोड़ने लगते हैं कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए, इस लड़के का दिमाग ही फिर गया है, ये इसका दिमाग सटक गया है ना, ये आईसीएस छोड़ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आईसीएस ज्वाइन करो, मत करो ऐसा, कहता नहीं मुझे नहीं करना, मुझे, मैं करूंगा ही नहीं, तुम लोग लूट रहे हो देश को, हमारे देश को गरीब कर दिया है, मैं इसको वापस रिवाइव करूंगा, देखना तुम। तो ये सारी चीजें होती हैं, इतने महान इंसान थे वो। सोल्जर्स हु ऑलवेज रिमेन फेथफुल टू देयर नेशन, हु आर ऑलवेज प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस देयर लाइव आर इनविंसिबल। वाह, बहुत ही महान इंसान है। अब आगे हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में और सुभाष चंद्र बोस की इसके बाद की स्टोरी क्या थी। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है, आगे और भी मजा आएगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेंगी, कुछ इवेंट्स जानेंगे और देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई भी थी कि यह सिर्फ एक मिथ है ना। कमीशन देखेंगे जो सुभाष चंद्र बोस की डेथ पे ऑर्गेनाइज की गई, और इस ग्रेट हीरो, लिविंग सुपर हीरो, और जो अनसंग हीरो की हम बात करते हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, हम देखेंगे सारी चीजें। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।